गुड इवनिंग। इस थंडरिंग थर्सडे की इवनिंग को गुड इवनिंग। टुडे इज थॉटफुल एंड थंडरिंग थर्सडे। और मिल रहे हैं अपन बेटा दोबारा से शाम के सेशन में। गुड इवनिंग। जतिन शर्मा गुड इवनिंग बेटा। तो आज के वर्चुअल एक्ट टेस्ट सीरीज में जतिन ने बहुत कुछ सीखा। अब वो हर पंजाब से सारे बच्चे कुछ न कुछ सीख रहे हैं बत्रा सर से। वर्चुअल एक्ट टेस्ट सीरीज में कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। राहुल राजेंद्र दोषी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग बेटा। प्रियांशु त्रिपाठी भी आ गए, गुड इवनिंग। तो शुरू करें बेटा। चलिए तो बेटा मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, लाइफ कोच और मेंटर भी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एएसएसएम एंड आईटीएसएम। मैं हूं इंटरमीडिएट और सीआईपीसीसी फाइनल का एजुकेटर बेटा। मैं पढ़ाता हूं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और सीए स्टूडेंट्स को पिछले 31 साल और 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से सिंस 1989। जिनी जॉनसन भी आ गई है बेटा, गुड इवनिंग। अब तक पढ़ा दिया बत्रा सर ने 2 लाख से ज्यादा बच्चा, जिसमें से 200 ज्यादा ला चुका ऑल इंडिया रैंक, 75 ज्यादा रैंक तो बेटा पोजीशन 1, 2, 3 की है। जिन्होंने स्कोर किया 90-92 मार्क्स इन द पेपर ऑफ आईटीएसएम एंड एएसएसएम। 20,000 से ज्यादा बन चुके चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस एग्जाम के बाद आप भी बनाओगे बेटा इस लेगेसी का हिस्सा। मैं पढ़ाता हूं बेटा पेपर 7 एएसएसएम और आईटीएसएम और ओल्ड कोर्स का पेपर इसका। बेटा बत्रा सर खेलने के शौकीन, बत्रा 10 की जर्सी के साथ खेलते हैं सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट। याद रखिएगा बत्रा 10 की जर्सी का नंबर। ये बेटा अभी हमने एक शॉर्ट मैच खत्म किया प्लस का 17 तारीख को, बड़ा मजा आया बच्चों को बेटा ये करके। और नवंबर में मुझे पता है बेटा इनमें से कई बच्चे एग्जामिनेशन के साथ, कई बच्चे रैंक के साथ जाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं बेटा मई 21 के लिए बैच। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम शुरू कर रहे हैं मई 21 के लिए बैच। बच्चा लोग मई 21 मई 21। 1 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है बेटा, 1 दिसंबर 20 से शुरू हो रहा है बैच। स्पेशल क्लास और यूट्यूब पे है फ्री, ठीक है। 14 दिसंबर 2020 से आएगा प्लस का बैच बेटा। प्लस है कुछ खास है, हर चैप्टर के बाद प्लस में रिवीजन कराएंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन का तरीका कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे, केस बेस स्टडी कराएंगे। इतना सब कुछ बेटा हम लोग स्पेशल क्लास और यूट्यूब पे नहीं करवा पाते, वो सब कुछ होता है प्लस पर। और प्लस को प्राप्त करने का तरीका है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ एंड 24 मंथ। और अगर यहां पे आप लगाते हैं बेटा बत्रा 10 का कोड तो जादू की झप्पी लगती है आपको, 10% की छूट। 1 महीने का 3,150 में मिलता है, 12 महीने का कोर्स 15,750 में मिलता है, 24 महीने का 18,900 में मिलता है। अगर कोई फाउंडेशन इंटर का बच्चा है और फाइनल का बच्चा और वो आना चाहता है तो मैं कहूंगा 24 महीने का लेके आइए, बत्रा 10 कोड लगाइए, 18,900 में पाइए। मार्केट में बेटा एक पेनड्राइव भी 10,000 की आती है, 2 सब्जेक्ट 20,000 के, उससे सस्ता तो बेटा 8 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और 2 साल करेंगे तो फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट और इंटर के 8 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट, 1,20,000 का काम 18,900 में हो रहा है विद बत्रा 10 कोड। अभी बेटा कोई आवे तो बेटा ये 12 महीने वाला लेके आए, उसको मिलेगा फायदा ही फायदा। बत्रा से लाते बेटा वर्चुअल लाइफ टेस्ट सीरीज, ठीक है। कल बेटा हम क्या ला रहे हैं, EIS और IT दोनों का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 4, 4:30 से लेके 5:30 बजे तक, ठीक है। और ये तो है कल का, कल तारीख होगी बेटा 20, कल तारीख होगी 20/11 को, ठीक है। 21 को क्या करेंगे बेटा, 21 ग्यारह को हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे आईटी और ईआईएस दोनों का। बेटा शुरू हो जाएगा चैप्टर 4 वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज के साथ में, आप बच्चों के साथ में मेरे बच्चों। ये बेटा बत्रा सर का ओल्ड कोर्स का आईटीएसएम का मैराथन कब हुआ था बेटा 8 और 15 नवंबर को हुआ था, 12 से लेके 5 और 12 से लेके 9 बजे तक बेटा, ठीक है। इनको कर डालो आपका आईटीएसएम पार हो गया बेटा। इसी तरीके से मैराथन हुआ था बेटा 18 और 25 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, 12 से लेके 3 बजे तक। ये 2 कर डालो बेटा, 6 से 8 नंबर हो गए आपके। ये है बेटा बत्रा सर की स्ट्रैटेजी, इसका फोटो ले लो बेटा, फ्लो चार्ट हो जाता है आपका बेटा, फ्लो चार्ट कर लो बेटा आपका हो जाता है 6 नंबर का 18 और 25 अक्टूबर 20 से। केस स्टडी हो जाती है बेटा आपके 8 जुलाई और 8 नवंबर तक के हमारे स्पेशल क्लास के 20 लेक्चर से। एसएम पोर्शन कर लो 4, 5, 6, 7, 8 और आईटी पोर्शन कर लो बेटा, ये भी हो जाता है आपका।
और आप बच्चों ने जो हेड डेडिकेट की है, जब भी आप हमारे ऐप पर पढ़ते हैं बेटा 10-20-15 मिनट बाद आप एक हेड डेडिकेट कर सकते हैं बत्रा सर को। थैंक यू वेरी मच 169 हेड डेडिकेट करने के लिए। इस संडे को बत्रा सर फिर आपके लिए ला रहे हैं बेटा एक मैराथन गुड इवनिंग बबीता, जिसमें मैं आपको कराऊंगा बेटा शाम के समय। समय ये नहीं है, ये पुराना है बेटा, ये पुराना है, 8 नवंबर का है। मैं एक नया इसी तरीके का लाने जा रहा हूं बेटा, जिसमें मैं आपको कराऊंगा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर नवंबर 20। इस संडे को एक नोटिफिकेशन आ गया बेटा इंस्टीट्यूट की तरफ से। क्या नोटिफिकेशन आया बेटा देखे, आज आया है ये नोटिफिकेशन, आप देख रहे हैं बेटा 19 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन आ गया है। क्या नोटिफिकेशन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है जमाना, देखे बेटा क्या कह रहा है जमाना। ओहो, लिखने नहीं देता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, अनाउंसमेंट है बेटा जनवरी फरवरी के एग्जाम के लिए। रजत सोनी आगे क्लास में क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा जनवरी वाले जो एग्जाम है इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिए हैं, होने जा रहे हैं 21 जनवरी 2021 से बेटा, 21 जनवरी 2021 से होने जा रहे हैं आपके एग्जाम, 21 जनवरी 2021 से होने जा रहे हैं आपके एग्जाम बेटा, 21 जनवरी 2021 से होने जा रहे हैं आपके एग्जाम। ऑप्ट आउट स्कीम के बाद इसका टाइम टेबल आ जाएगा बेटा, 21 जनवरी 2021 से आ जाएगा। जतिन शर्मा कह रहे हैं सर टाइमिंग संडे की सैटरडे क्लास में बता देना, बिल्कुल बता देंगे बेटा। प्रियांशु कह रहे हैं बत्रा सर की स्ट्रेटजी है सक्सेस की गारंटी, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। तो बेटा ये नोटिफिकेशन पढ़ लो, अनाउंसमेंट फॉर जनवरी आ गया बेटा 21 जनवरी 2021 से आ रहा बेटा, ठीक है। सारे सिटीज में एग्जाम होने जा रहा है बेटा जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं। बात आ गई सबको समझ में बेटा, ये बात थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को। क्लियर है बेटा। चलो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम, हम पढ़ रहे हैं ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 सीबीएस को बेटा, सीबीएस को पढ़ रहे हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं बेटा, कोर बैंकिंग सिस्टम का ओवरव्यू क्या है। Core banking system refer to common IT solution where central shared database support the entire banking application. तो characteristics क्या है CBS की, देखो भाई characteristics क्या है CBS की, देखो पहली characteristic क्या है बेटा, check करो जरा पहली characteristic क्या है CBS की, देखो बेटा there is a common database and central server, ठीक है, उसको डेटा सेंटर भी कहते हैं, डेटा सर्वर भी कहते हैं बेटा, ये सारे बैंकिंग ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम, सेंट्रल सर्वर होता है बेटा, सेंट्रल सर्वर होता है, इस तरीके से काम करता है बेटा, क्लियर है। रजत सोनी क्या कह रहे हैं सर ऑप्ट आउट ऑप्शन करना ही क्यों है, दे आर रेडी एंड वी आर ऑल्सो रेडी, पेपर देंगे और नवंबर में ही पूरे देंगे। मैं भी यही कह रहा हूं बेटा, बस एक नोटिफिकेशन आया तो मैंने आपको जानकारी दे दी बेटा, पर मैं तो किसी बच्चे को कहते ही नहीं बेटा जनवरी में देना है, अभी तैयारी करो और दे डालो। जनवरी तक का इंतजार क्यों करने का, अपनी पूरी तैयारी हो चुकी है बेटा, अपनी तैयारी है जीत की, हम जाएंगे इस बार नवंबर पार। एक बार बेटा सब जने बच्चे लिख डालो इस बार नवंबर पार, तो मुझे पता चले सारे बच्चे मेरे साथ हैं नवंबर पार जाने के लिए। चलो जल्दी से लिख डालो बेटा इस बार नवंबर पार, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे जाना चाहते हैं नवंबर पार, लिखो बेटा इस बार नवंबर पार। लिख डालो इस बार नवंबर पार, बिल्कुल बेटा क्लियर करेंगे। गार्गी पांडे गुड इवनिंग बेटा, सब लोग लिख डालो इस बार नवंबर पार, हम जाएंगे बेटा जरूर जाएंगे। रजत सोनी ने लिख दिया इस बार नवंबर पार, राहुल राजेंद्र दोषी ने लिख दिया, जतिन शर्मा ने लिख दिया, जिनी जॉनसन ने लिख दिया,
बबीता मिश्रा ने लिख दिया इस बार नवंबर पार जरूर जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। बत्रा सर आपको लेके जाएंगे बेटा, बत्रा सर आपको ले जाएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे बेटा, चिंता ही मत करो, हैंड होल्डिंग करके ले जाएंगे, हैंड होल्डिंग करके ले जाएंगे बेटा, हैंड होल्डिंग करके ले जाएंगे, चिंता मत ही करें। इस बार नवंबर पार, सब जने लिख डालो बेटा, सब जने लिख डालो, इस बार नवंबर पार। गार्गी ने लिख दिया, रजत ने लिख दिया, राहुल ने लिख दिया, जतिन ने लिख दिया, जिनी जॉनसन ने लिख दिया, बबीता ने लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा और एक बात बता दूं क्या बेटा, बत्रा सर ने, चूंकि बत्रा सर है ग्रुप टू के लीडर, बत्रा सर है ग्रुप टू के लीडर, ठीक है, तो आपके लिए बेटा चार मैराथन प्लान किए हैं, रिवीजन मैराथन, बत्रा सर ने चार मैराथन प्लान किए हैं, ठीक है। एडवांस अकाउंट का मैराथन आ रहा बेटा 28 नवंबर को शाम को 7 बजे शुरू करेंगे बेटा, 7 बजे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 7 बजे से कंटिन्यू करेंगे एडवांस अकाउंट का। सेकंड बेटा आपका होगा ऑडिट का, ऑडिट का मैराथन लेंगे बेटा आप लोग 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से लेंगे 7 PM से बेटा। तीसरा EIS और SM का और ITSM का बेटा मैराथन लेंगे हम आपका, कब बेटा 3 दिसंबर को, ठीक है, 7 PM से, 6:30 कहा था मैंने, 7 कर दिया, कुछ बच्चों को कम्यूट करके आने में लेट लगती है। और चौथा बेटा FM एंड ईको, ठीक है, इसका भी मैराथन आ रहा बेटा 5 दिसंबर को, कितने बजे 7 PM से बेटा। तो एग्जाम देके आओगे और हम मैराथन शुरू करने जा रहे हैं बेटा, एग्जाम देके आ रहे हैं, मैराथन ला रहे हैं बेटा आपके लिए, मैराथन 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 7 बजे से आ रहा है बेटा। 28 डेटे नोट कर लो, 28 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, पूरा कोर्स हम पहले करवाएंगे फिर आप पढ़ेंगे, पहले हम करवाएंगे फिर आप पढ़ेंगे बेटा, पहले हम कराएंगे फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो बेटा। बत्रा सर लाए बेटा रिवीजन मैराथन आपके लिए, रिवीजन मैराथन आपके लिए इस बार नवंबर पार, रिवीजन मैराथन बेटा, एडवांस अकाउंट, ऑडिट, ESSM और FME को, इसके बेटा मैराथन ले आए बत्रा सर आपके लिए। हम पहले पढ़ाएंगे फिर आप पढ़ेंगे बेटा, पहले हम पढ़ाएंगे फिर आप पढ़ेंगे, नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो। 7 PM से शुरू करेंगे शाम को, आप एग्जाम देके आ जाओ 5 बजे, 2 घंटे का समय दे रहे हैं, आराम से घर लौट लो, फ्रेश हो लो, फिर हमारे साथ बैठो बेटा, ठीक है, साथ में चीजें लेके हम आपको कराएंगे बेटा एडवांस अकाउंट, ऑडिट, ESSM और FME को। ग्रुप टू की पूरी बाहुबली टीम, ग्रुप टू की पूरी बाहुबली टीम, तेजक सूचक सर, धीरज रणवास सर, जयेश भंडारी सर, खुशबू मैम, मैं स्वयं FME को में बेटा, ईशान गुप्ता सर और स्वाति मैम आपको बेटा ले जाएंगे पार, आपको ले जाएंगे पार, ठीक है। जतिन शर्मा पूछ रहा है कितने घंटे का होगा, 8 से 10 घंटे का रखेंगे बेटा, दो टुकड़ों में रख लेंगे इसको, दो टुकड़ों में रख लेंगे 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 दो टुकड़ों में रख लेंगे, 7 से लेके 1:30 बजे तक, 7 से लेके 1:30 बजे तक, और फिर सुबह शुरू करेंगे वापस 6:30 से लेके 10 AM तक, ठीक है, हर दिन ऐसा ही होगा बेटा, हर दिन ऐसे ही होगा, 6:30 AM से 10 AM तक, ठीक है, रात को 1:30 बजे तक, फिर सोने का टाइम देंगे आपको, फिर 6:30 से लेके 10 AM तक रखेंगे, 1:30 बजे तक ले जाएंगे आपको, और फिर 6:30 से लेके 10 बजे तक हम आपको कराएंगे बेटा, दो टाइम, ठीक है, टोटल देख लो बेटा, टोटल देख लो, 10 घंटे 10 घंटे 10 hours 10 घंटे का बेटा, बीच में ब्रेक है, 1:30 से 6:30 बजे तक का ब्रेक है, सो जाओ आप भी, फिर वापस उठाएंगे और आके कराएंगे, 10 बजे तक कंप्लीट कर देंगे, फिर कहेंगे तुम पढ़ लो बेटा, 7 से लेके 1:30 बजे तक, और उसके बाद में 6:30 से लेके 10 बजे तक, दो हिस्सों में, ठीक है, बोलो, कैसा लगा, अच्छा लगा, बोलो, कैसा लगा, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, चलो लौटते हैं अपने टॉपिक पे।
तो हम बात कर रहे थे बेटा सेंट्रल सर्वर होता है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, सेंट्रल सर्वर होता है, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इट हैज ए सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक, इसका है बेटा कि इसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है। जिन्हें कह रही है बिल्कुल अच्छा लगा सर, गैप भी मिल जाएगा, सो भी लेंगे और आगे पढ़ भी लेंगे। ओके ओके ओके। सेकंड बेटा, सेकंड ब्रांचेस जो होती हैं वो डिलीवरी चैनल है, ब्रांचेज है वो केवल डिलीवरी चैनल है, वो सर्विस देंगे। तो ब्रांचेज आर डिलीवरी चैनल, ब्रांचेज आर डिलीवरी चैनल। तीसरा 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 तीसरा, बबीता कह रही है सर गजब है, बहुत अच्छा है, ठीक है, मजा आ गया। राहुल राजेंद्र दोषी को, जिमी जॉनसन कहती है अच्छा लगा। ओके ओके ओके, चलो बेटा तीसरा 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 तीसरा, सीबीएस एक सेंट्रलाइज बैंकिंग एप्लीकेशन है, सेंट्रलाइज बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसमें सेवरल कंपोनेंट होते हैं, सेवरल कंपोनेंट होते हैं। चौथा 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 चौथा, देखिए बेटा चौथा देखे, CBS is supported by advanced technology, supported by advanced technology बेटा। चौथा पांचवा 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 क्या होता है बेटा, पांचवा क्या होता है, इट ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट, ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट। नेक्स्ट छठा छठा छठा, CBS मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पे छोटे छोटे फंक्शंस को मिला के पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। सातवां सातवां सातवां, इनेबल द इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी, दूसरे और मॉड्यूल से भी जोड़ सकता है बेटा, दूसरे और मॉड्यूल से भी जोड़ सकता है। तो सात कैरेक्टरिस्टिक हो गई बेटा, सात कैरेक्टरिस्टिक हो गई। आओ बेटा याद करते हैं, सात कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी, सात कैरेक्टरिस्टिक हो गई CBS की। पहला, सेंट्रल सर्वर से ही जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, ब्रांचेस केवल डिलीवरी चैनल है। तीसरा, बैंकिंग एप्लीकेशन में कई तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से बना होता है। पांचवा, कई बेनिफिट देता है। छठा, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है। सातवां, थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन भी जोड़ता है। कुल मिला के सात कैरेक्टरिस्टिक है, सात कैरेक्टरिस्टिक है, सात कैरेक्टरिस्टिक, याद कर लो याद कर लो याद कर लो, सात कैरेक्टरिस्टिक है। राहुल कह रहा है सर ये अमेंड पोर्शन हुआ है, हाँ बेटा ये अमेंड हुआ है, अमेंड हुआ है, अमेंड हुआ है, बिल्कुल बेटा अमेंड हुआ है। It is amended beta, bilkul it is amended bilkul sahi kaha aapne। हाँ जून 19 के मॉड्यूल में नहीं है, बाद में आया, बिल्कुल सही कह रहे बेटा, अमेंडमेंट हुआ है। डाउनलोड कर लेना ना, PDF डाउनलोड कर लेना इंस्टीट्यूट की साइट से, डाउनलोड कर लेना बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो सात कैरेक्टरिस्टिक हो गई, समझ में आ गई, मैं चल रहा हूं आगे। ओके, अब आता है बेटा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, किसने इस पे हरा रंग डाला, अरे बत्रा सर ने डाला, इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। सम एग्जांपल ऑफ CBS सॉफ्टवेयर, आओ चार पांच टाइप के एग्जांपल देखेंगे। पहला सॉफ्टवेयर है फिनेकल, किसने दिया, कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया इंफोसिस द्वारा, याद रखेंगे बेटा। फिनेकल नाम का सॉफ्टवेयर इंफोसिस ने दिया, जो हमें देता है यूनिवर्सल बैंकिंग, मतलब पूरी दुनिया भर में कहीं भी इससे बैंकिंग की जा सकती है, कवरिंग ऑल मॉड्यूल्स ऑफ द बैंक, ठीक है, एंड कवरिंग ऑल बैंकिंग सर्विसेज। चार पॉइंट याद रखना बेटा, पहला डेवलप्ड बाय इंफोसिस, भारत की कंपनी ने किया। दूसरा, यूनिवर्सल बैंकिंग होती है इसमें। तीसरा, सारे मॉड्यूल बैंक के कवर्ड है, कोई भी छूटता नहीं है, लोन एडवांस रेमिटेंस क्लियरेंस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब आ जाता है बेटा, और सारी बैंकिंग सर्विसेज आ जाती है जो नौ प्रकार की हमने पढ़ी है। बात आई क्या बेटा समझ में, बात आई क्या सबको समझ में, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। जतिन शर्मा कह रहे हैं डिलीवरी चैनल सेंट्रलाइज मॉड्यूलर सेंट्रलाइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, बिल्कुल ठीक कहा जतिन अबोहर पंजाब से आपने। सेकंड है बेटा फिनवन सॉफ्टवेयर, फिनवन सॉफ्टवेयर क्या है बेटा, वेब बेस्ड ग्लोबल बैंकिंग प्रोडक्ट है। पहली चीज याद रखेंगे इसके बारे में, वेब बेस्ड मतलब www पे होता है बेटा, ग्लोबल बैंकिंग प्रोडक्ट है जो कि सपोर्ट करता है बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज को। किसको सपोर्ट करता है, बैंक एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन कंपनी को बताता है। किसमें डील करता है बेटा, डील इन एसेट लायबिलिटी एंड कोर फाइनेंशियल एप्लीकेशन। तो तीन चीजें याद रखनी बेटा इसके बारे में, पहला वेब बेस्ड ग्लोबल बैंकिंग सॉल्यूशन है, मतलब www पे काम करता है, ऐप नहीं है इसका। तीसरा, बैंक और फाइनेंशियल कंपनी को सपोर्ट करता है। तीसरा, एसेट लायबिलिटी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। ओके ओके ओके। तीसरा सॉफ्टवेयर है FlexCube, FlexCube के बारे में क्या याद रखेंगे, कॉम्प्रेहेंसिव है, मतलब सारे कंपोनेंट है इसके अंदर, इंटीग्रेटेड है, सबको आपस में जोड़ भी देता है, भले ही अलग अलग कंपोनेंट पर जोड़ता है। इंटरऑपरेबल है, मतलब आसानी से कंपोनेंट डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। मॉड्यूलर है, मतलब कंपोनेंट हटा सकते हैं, कंपोनेंट जोड़ सकते हैं। एंड इनेबल बैंक टू मैनेज इवॉल्विंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पांच पॉइंट है, कॉम्प्रेहेंसिव है FlexCube।
दूसरा इंटीग्रेटेड है, सबको जोड़ता है, इंटरऑपरेबल है, डेटा का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, मॉड्यूलर है, कोई भी हटा सकते हो कोई भी जोड़ सकते हो, और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। चलिए फोर, बैंसीएस। बैंसीएस क्या है बेटा? कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर को ही आधार मान के सारा काम किया करता है। सिंप्लीफाइड ऑपरेशन है इसके, सिंप्लीफाइड ऑपरेशन है, काम में बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्या क्या मिलता है? लोन, डिपॉजिट, वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल चैनल जैसी सारी चीजें हमें मिला करती है इसके अंदर। रिस्क और कंप्लायंस का कंपोनेंट भी होता है। तो बेटा तीन चीजें हैं, कस्टमर सेंट्रिक है, सिंप्लीफाइड ऑपरेशन है, लिख लेना ये पॉइंट, अगर नहीं है आपको याद हो रहा है तो लिख लिख के कर लेना, और आपको लोन, डिपॉजिट, वेल्थ मैनेजमेंट जैसे काम देता है। पांचवा, बैंक मेड सॉफ्टवेयर बेटा, फुल स्केल बैंकिंग सॉल्यूशन है, फुल स्केल बैंकिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसको स्केल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं ई बैंकिंग के साथ में, तो स्केलेबल है, इंटीग्रेटेड है बेटा, और ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग दोनों के लिए सूट करता है बेटा। और इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो टच पॉइंट होता है, फुल एक्सेस मिला करता है बैंकिंग सर्विस का, जो हम प्राप्त कर सकते हैं एनीवेयर एनीवेयर। ठीक है, एनी टाइम एनी वेयर में अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो पांच प्रकार की चीजें होगी बेटा, पांच प्रकार की चीजें होगी। पहला फिनेकल, किसने दिया बेटा? इंफोसिस ने दिया, यूनिवर्सल बैंकिंग करता है, सारे मॉड्यूल कवर होते हैं, सारी सर्विसेज आती है। दूसरा फिनवन है, वेब बेस्ड ग्लोबल बैंकिंग है, सारे बैंकिंग सॉल्यूशंस को सपोर्ट करता है, एसेट लायबिलिटी और ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फ्लैक्स क्यूब तीसरा सॉफ्टवेयर है, कॉम्प्रहेंसिव है, इंटीग्रेटेड है, इंटरऑपरेबल है, मॉड्यूलर है, और कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार बन सकता है। बैंक सीएस, ये कस्टमर सेंट्रिक है, सिंप्लीफाइड अप्रोच है, लोन, डिपॉजिट, वेल्थ मैनेजमेंट का काम करता है, रिस्क और कंप्लायंस मैनेजमेंट भी है इसमें। बैंक मेड पांचवा है बेटा, ये फुल स्केल बैंकिंग सॉल्यूशन है, स्केलेबल है, इंटीग्रेटेड है, और ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल हर तरीके की बैंकिंग कर सकता है, एनी टाइम एनी वेयर यूज कर सकता है। बस ऐसे की बात याद रखेंगे, बोलो जी याद हुए कि नहीं हुए, इस पर अलग से एक बार सवाल पूछा हुआ एग्जाम में बेटा। तो पांच सॉफ्टवेयर याद रखना, सीबीएस के बड़ा पॉपुलर, वैसे तो बहुत है पर पांच बड़े इंपॉर्टेंट है। फिनेकल इंफोसिस का, फिनवन दूसरा, वेब बेस्ड ग्लोबल बैंकिंग, फ्लैक्स क्यूब तीसरा, कॉम्प्रेहेंसिव, बैंसीएस चौथा, कस्टमर सेंट्रिक, बैंक मेड पांचवा, फुल स्केल बैंकिंग ऑपरेशन। हो गया हो गया हो गया, मुझे बताओ बेटा याद हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जी याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। तो चले इससे आगे, चले इससे आगे, चले इससे आगे। ठीक है, ये सीबीएस सॉफ्टवेयर जो होता है कई वेंडर ने बनाया है, जो कि छोटे कॉपरेटिव बैंक और सब बड़ी बैंकों में बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे रन करते हैं 24/7, इंटरनेट बैंकिंग, ग्लोबल ऑपरेशंस, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से काम करते हैं। बत्रा सर ने भी ईयर 2002 में दो बैंकों को ऑटोमेट किया था बेटा, पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये पाली जिले में, और एक दूसरा किया था बेटा जोधपुर में, जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक। ये बेटा बत्रा सर 2002 में सीबीएस ला चुके हैं, बत्रा सर की कंपनी द्वारा ऑटोमेटिव है बेटा, पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, ये बेटा बत्रा सर ने की ऑटोमेट ईयर 2002 में। अब 2020, तो बत्रा सर ये केवल पढ़ाते थोड़ी है बेटा, बत्रा सर तो अपनी जिंदगी बताते हैं, क्योंकि बत्रा सर है प्रोसेस ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, आपको अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो टेक्निकल बंदे से पढ़ो, क्योंकि वही आपको इनसाइट नॉलेज दे सकता है जिसने इस सब्जेक्ट को जिया है बेटा, है ना। जैसे अगर अपने को टेक्स्ट पढ़ना है तो टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसी टेक्स्ट प्रैक्टिशनर से पढ़ेंगे अपन, यूं थोड़ी है कि टेक्स्ट प्रैक्टिशनर पढ़ने के लिए लॉयर ढूंढ लेंगे अपन, तो लॉयर ढूंढ के पढ़ेंगे क्या टैक्स अपन उससे नहीं पढ़ेंगे ना। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोविड का इलाज कराना है तो फिर बेटा अपन इंजीनियर ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो बेटा आपको कोई प्रैक्टिशनर ढूंढना पड़ेगा जो इस ऑटोमेशन का काम करता हो, वो आपको इनसाइड नॉलेज देता है। वरना चार्ट पढ़ पढ़ जगमुआ पास हुआ न खोए, चार्ट पढ़ पढ़ जगमुआ पास हुआ न खोए, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़े वही पास हुए, वरना नवंबर की बजाय मई 2021 आए, ऐसा आप लोग बच्चे कहते हैं बेटा। ये पैरोडी आप बच्चों ने कही है। र
रजत सोनी कह रहे हैं बिल्कुल ट्रू कहा सर आपने, बिल्कुल ट्रू कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम देख लो बेटा, फ्रंट में कौन से काम होते हैं, बैक में कौन से काम होते हैं। फ्रंट का मतलब होता है जहां कस्टमर से हमारी डीलिंग होती है, मोबाइल बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग में, फोन बैंकिंग में, ब्रांच बैंकिंग में। अंतर पता है सबको बेटा, अगर मोबाइल पे ऐप के द्वारा करते हो तो वो मोबाइल बैंकिंग होती है, www करते हो इंटरनेट बैंकिंग होती है, फोन कॉल करके करते हो बेटा तो उसे फोन बैंकिंग कहते हैं, और फिजिकली जाते हो तो बेटा उसे ब्रांच बैंकिंग कहते हैं। बात आई क्या सबको समझ में? ये चार तरीके बेटा। अब बैकग्राउंड में क्या होता है, सेंट्रल डेटाबेस पे तो सारा काम होता है, बैक ऑफिस होता है बेटा, आपके रिस्क और मैनेजमेंट को और आपकी क्रेडिट रेटिंग को चेक करते हैं। डेटा वेयर हाउस होता है जो कि सारे डेटा को इकट्ठा करके डेटा माइनिंग के लिए उपलब्ध कराता है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का सिस्टम होता है, एटीएम के स्विच होते हैं जो पैसे के लेन देन के लिए आपको अलाउ करते हैं। तो ये है बेटा हमारा काम करने का तरीका, जिसको हम कहते हैं की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस, की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस। फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में चैप्टर 2 में हम आपको बता चुके हैं। फ्रंट एंड वो होता है जिसपे हमें यूजर इंटरफेस मिलता है और हम डेटा एंट्री करते हैं या डिस्प्ले देखा करते हैं। बैक एंड वो होता है जो डेटाबेस सर्वर की तरफ ले जाते हैं हमें और पीछे डेटा को स्टोर करने का काम किया करता है। बिल्कुल बेटा, प्रेजेंटेशन लेयर इज फ्रंट एंड और बैक एंड इज डेटाबेस, आपने पढ़ा है चैप्टर 2 में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो क्लियर हो गया क्या, फ्रंट एंड में क्या होता है और बैक एंड में क्या होता है? बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी। वो क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। चले आगे, ओके ओके ओके, चलते हैं आगे बेटा। आओ अब इनमें से कुछ चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। चूंकि ये हुआ है अमेंड, तो ये हो जाता है बेटा इंपॉर्टेंट नवंबर 20 के लिए। आज किसने इस पे हरा रंग डाला, अरे बत्रा सर ने डाला। ये अमेंडमेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आज 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 इंपॉर्टेंट बता देते बेटा, छोटा छोटा याद रखना, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, छोटा छोटा याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आओ बेटा, बैक ऑफिस, बैक ऑफिस, बैक ऑफिस क्या होता है? बैक ऑफिस, बैक ऑफिस इज द पोर्शन ऑफ द कंपनी मेड अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट पर्सनल हु आर नॉट क्लाइंट फेसिंग। बस इतना याद रखना, ये बेटा बंद कमरों में बैठे रहते हैं, एसी चैंबर में बैठे रहते हैं, क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट चेकिंग इनका काम हुआ करता है। बात आई क्या बेटा? इसमें काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है? सेटलमेंट, क्लियरेंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, अकाउंटिंग, आईटी सर्विसेज, ये काम होता है बेटा इनका। ये होता है बेटा फंक्शन, ये होता है इनका फंक्शन, ये होता है बेटा इनका फंक्शन। तो बैक ऑफिस वाले क्लाइंट से नहीं मिलते हैं, वो अपने बंद कमरों में चैंबर में बैठ के काम किया करते हैं, और इनका काम होता है सेटलमेंट, क्लियरेंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं। सेकंड है बेटा डेटा वेयर हाउस। बैंकिंग प्रोफेशनल यूज डेटा वेयर हाउस टू सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज द वे दे गैदर द डेटा एंड फाइनली गेट वन क्लियर वर्जन ऑफ ट्रूथ। यहां पे होती है डेटा माइनिंग, हम पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 3 में। यहां पे होती है डेटा माइनिंग, ट्रेंड एनालिसिस हम पता किया करते हैं, ये भी बैक ऑफिस का काम है। और बेटा तीसरा बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड सिस्टम। क्रेडिट कार्ड सिस्टम प्रोवाइड कस्टमर मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, कस्टमर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड की सारी डीलिंग यहां होती है। ऑल द डीलिंग रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स, डीलिंग रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, ये हम उस पे करते बेटा। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी डीलिंग यहां पे किया करते बेटा। फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम, अपने आप पैसा देने वाली मशीन एटीएम। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट दैट अलाउ कस्टमर टू कंप्लीट बेसिक ट्रांजेक्शन विदाउट द एड ऑफ एनी टेलर, किसी आदमी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही ऑपरेट कर लेते हैं, हम अपने आप ही ऑपरेट कर लेते हैं। ये है सेल्फ सर्विस ट्रांजेक्शन, इसे क्या कहते हैं बेटा अपन, सेल्फ सर्विस ट्रांजेक्शन कहते हैं। चलो 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 अगला, सेंट्रल सर्वर, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। सेंट्रल सर्वर है बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये होता है बीच में, बीच में, बीच में। इट इज यूज टू टेक एटलीस्ट ए डे फॉर द ट्रांजेक्शन टू गेट reflected in the real account because each branch has their local servers and then data from the server in the each branch is sent to a batch to the server or end of the day pe wo sari cheeze jaake kisko exchange karti hai, centralized online real time environment mein jaake effect kiya karti hai beta। ye hota hai central server ka kaam, aapke local server se end of the day pe pura data bunch banke jaake server pe effect kiya karta hai, tab jaake central server se hame पूरी रिपोर्ट मिला करती है। नेक्स्ट है बेटा फ्रंट ऑफिस के काम, यहां से शुरू हो गए बेटा फ्रंट ऑफिस और सेंट्रल सर्वर के ऊपर यहां पे थे हमारे पास में बैक ऑफिस।
ठीक है, इतना ही अंतर है बेटा। डायग्राम भी आप देख लो, ये रहा बेटा सेंट्रल सर्वर और ये रहे सारे फ्रंट ऑफिस। क्या क्या काम है बेटा? मोबाइल, इंटरनेट, फोन और ब्रांच बैंकिंग। बैक ऑफिस में क्या है बेटा? देखो आप, बैक ऑफिस, डेटा वेयरहाउस, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम, जो हमने पढ़ लिए। आओ बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की बेटा। सबसे पहला है मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग होती है ऐप पर। इंटरनेट बैंकिंग जनरली होती है बेटा हमारी www वेबसाइट पर। ठीक है, दो साइड ऑफ द कॉइन है बेटा, दोनों एक जैसे काम करती हैं और इसके माध्यम से हम कई काम कर सकते हैं। तो देखो पहला है हमारे यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, इसको अपन ऑनलाइन बैंकिंग का नाम भी देते हैं। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कस्टमर को बैंक से पैसे लेन देन का मौका दिया करता है। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम करीब 250 से ऊपर सर्विसेज दिया करती है और ये सब काम रियल टाइम में हो सकता है। जैसे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं, चेकबुक ले सकते हैं, ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। किस पे? www पे। और मोबाइल बैंकिंग का काम करते हैं ऐप पर। ऐप इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज दैट अलाउ कस्टमर टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और ये सब कुछ होता है बेटा रिमोटली यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्टफोन और टैबलेट पे, यूजिंग ऐप। समझ में आया। और 24/7 आपको अवेलेबल होता है ऐप पर होता है। नेक्स्ट होता है बेटा फोन बैंकिंग। तीसरा आप कह सकते हो ये है 6.1, ये है बेटा 6.2 और ये है बेटा फोन बैंकिंग 6.3 और फिर आएगा बेटा ब्रांच बैंकिंग 6.4। ठीक है, चार काम होते हैं बेटा। फोन बैंकिंग क्या है बेटा? इट इज द फंक्शनलिटी थ्रू विच कस्टमर कैन एग्जीक्यूट मैनी ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन सर्विसेज थ्रू फोन करके बेटा पता करते हैं। 20,000 रुपए मेरे इस खाते से उस खाते में भेज देना, आपकी जो आवाज होती है वो ही आपका पासवर्ड है, आपकी आवाज आपका पासवर्ड होता है बेटा, उसी से वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसकी मदद से हम चेकबुक इशू करवा सकते हैं, है ना, स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं, ये सारे काम करवा सकते हैं अपन। ब्रांच बैंकिंग का मतलब होता है फिजिकल जाना, ये फोन करके करना। फोन बैंकिंग इज ऑन कॉल, बिल्कुल ऑन कॉल बैंकिंग होती है बेटा, सही पकड़े। ब्रांच बैंकिंग क्या है बेटा? बैंक सेंट्रलाइज सिस्टम दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, इसके लिए आपको सिंगल व्यू अवेलेबल करवाना पड़ता है बेटा। ठीक है, ब्रांच में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है देख लो, ब्रांच के क्या क्या सुविधाएं होती है देखो बेटा। सबसे पहले क्रिएट द मैनुअल डॉक्यूमेंट, इसमें अपन मैनुअल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इंटरनल ऑथराइजेशन करके आपको विड्रॉल और डिपॉजिट देते हैं। इनिशिएशन ऑफ बिगिनिंग एंड इनिशिएशन ऑफ द एंड एंड ऑफ द डे होता है, एंड ऑफ द डे ऑपरेशन करते हैं मैनुअली और आपको बहुत सारी रिपोर्ट मिलती है। सारा काम कैसा होता है बेटा? मैनुअल होता है, लोग करते हैं, पीपल होते हैं बैंक में जो ये काम किया करते हैं बेटा, ओजी आया जी समझ में। हमने इनकी बात कर दी, सेंट्रल सर्वर बीच में, इधर कर दी मोबाइल इंटरनेट फोन बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग और इधर बात कर दी बैक ऑफिस डेटा वेयरहाउस क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम की। ओजी समझ में आया जी, बोलो जी हाँ। समझ में आ गया तो बोलो जी हाँ। नवा है, ये अमेंडमेंट है, आएगा, करके जाना पड़ेगा, इसलिए करेंगे बहुत करेंगे, वरना कैसे चलेगा। आगे चलें, लिख के बताएं। सेंट्रल सर्वर एक बार डिटेल में फिर बता दो। सेंट्रल सर्वर देखो बेटा फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में होता है। ठीक है, सेंट्रल सर्वर का काम क्या है? ये ब्रांच है वन, ये है ब्रांच टू, ये है ब्रांच थ्री, इन सबके पास अपने अपने डेटा लोकल सर्वर होते हैं। दीज आर लोकल सर्वर्स। ठीक है, इन सबका डेटा एंड ऑफ द डे जाके बेटा सेंट्रल सर्वर पे स्टोर होता है। ठीक है, इन सबका डेटा जाके एंड ऑफ द डे पे स्टोर होता है। ये है बेटा सेंट्रल सर्वर का काम। जतिन शर्मा अबोहर पंजाब से, समझ में आया क्या? बोलो जी हाँ।
हर ब्रांच से लोकल सर्वर पर डेटा स्टोर करते हुए एंड ऑफ द डे पे एक बैच पर डेटा भेजा जाता है सेंट्रल सर्वर पर, और वहां से जाके हम अपडेट करके सारे काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे होता है जी, ऐसे होता है जी। बोलो जी, जतिन शर्मा जी बोलो जी, समझ में आया क्या? जतिन शर्मा जी बोलेंगे तब हम आगे चलेंगे। जतिन शर्मा जी बोलो जी, जतिन शर्मा जी बोल नहीं रहे, बोल दिया उन्होंने, बोल दिया अब हम आगे चलेंगे। ओके ओके ओके, चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा। आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस, कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस। अब हम पढ़ेंगे बेटा कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस, ठीक है? कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस पढ़ने जा रहे हैं। सीबीएस में कई सारे इनहेरेंट फीचर्स हुआ करते हैं, आओ बेटा इनकी बात करते हैं। सीबीएस में क्या फीचर्स हैं, सीबीएस में क्या फीचर्स हैं, तो आओ बेटा फॉलोइंग फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? रजत सोनी क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सर्वर का एग्जाम्पल, लाइक वी इश्यूड चेक टूडे, then we put in the drop box or check machine, it take a day or two for clearing that check. नहीं बेटा, एक क्लियरिंग हाउस का काम है, सेंट्रल सर्वर का काम नहीं है ये। रजत सोनी गलत एग्जाम्पल है, गलत एग्जाम्पल है, गलत एग्जाम्पल है। अरे बेटा एटीएम से काम कर रहे हैं अपन, एटीएम में जाके अपन ने पैसा निकाला डाला, एटीएम में पैसा इमीडिएटली जो था वो डिडक्ट हो गया, लेकिन वो जाके आपके बैंक के लोकल सर्वर पे स्टोर होता है। ऐसे सारे ट्रांजेक्शन पूरे दिन के लोकल सर्वर पर रखे जाते हैं, फिर एंड ऑफ द डे पे ये सारे यहां से सेंट्रल सर्वर पे जाते हैं और वो अपडेट करते हैं। तो सेंट्रल सर्वर सारी ब्रांचों के डेटा को शाम को अपडेट करता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर क्लोज होने के बाद, और फिर वहां से अगले दिन के लिए सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। ये है रजत सोनी सही वर्जन, समझ में आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो बेटा आगे हम पढ़ रहे हैं फॉलोइंग फीचर्स, मेमोरी टेक्निक आ गई राहुल राजेंद्र दोषी से, रिलायंस के ऑथराइज्ड एम्प्लॉय डेली एनीवेयर ऑनलाइन डेटाबेस पर डेटा पोस्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप ऐसे याद रखना चाहते हैं, ऐसे याद रख लो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बेटा। तो नयनी बता रही है हमें, रिलायंस के ऑथराइज एम्प्लॉय डेली एनीवेयर ऑनलाइन डेटाबेस पर डेटा पोस्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे कर सकते हैं बेटा। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फीचर्स के बारे में बात कर रही है ये। ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, मतलब तुरंत डेटा प्रोसेस होता है। दूसरा, ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इमीडिएटली, तो इमीडिएट वर्ड याद रखना, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग याद रखना। तीसरा, ऑल डेटा बेसिस आर अपडेटेड साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे अपडेट हो जाया करते हैं। मोर वाइडर वर्क है बेटा उसका। चलो 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 नेक्स्ट। चौथा, सेंट्रलाइज ऑपरेशन है, सारे ट्रांजेक्शन एक कॉमन डेटाबेस पे जाते हैं। पांचवा, सेपरेट हायरार्की होती है बिजनेस की और ऑपरेशन के काम करने वालों की। छठा, बिजनेस और सर्विस आपके हिसाब से प्रोडक्टाइज किए जाते हैं, कस्टमाइज किए जाते हैं, इसके लिए एक शब्द और यूज होता है कस्टमाइज, मतलब आपके हिसाब से बनता है। सातवां, रिमोट इंटरेक्शन होता है, कस्टमर दूर कहीं होता है, मुंबई में सर्वर पड़ा है, जोधपुर से उसको एक्सेस कर सकता हूं। आठवां, रिलायंस ऑन ट्रांजेक्शन बैलेंसिंग, हर चीज बैलेंस हो जाया करती है शाम होते होते। नाइन, हाईली डिपेंडेंट सिस्टम बेस्ड कंट्रोल होता है। दसवां और अंतिम, ऑथराइजेशन कैन अकर विद इन द एप्लीकेशन, नहीं अभी तो और है, अभी तो और है ना, विद इन एप्लीकेशन होता है, इंक्रीज एक्सेस मिलता है हमारे को, ऑथराइजेशन विद इन होता है, हाईली डिपेंडेंट सिस्टम कंट्रोल है, ट्रांजेक्शन बैलेंसिंग होती है, रिमोट इंटरेक्शन होता है, प्रोडक्टाइज किए जा सकते हैं, सेपरेट हायरार्की होती है, सेंट्रलाइज ऑपरेशन होता है, ऐसे याद रखेंगे बेटा अपन। दूसरा, डेली हाफली एनुअली जैसा चाहो वैसा क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है। 14, डिसेंट्रलाइज इंटरेस्ट एप्लीकेशन होती है। 15, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं बेटा। 15 तरीके के फीचर्स आ गए हमारे पास, 15 फीचर्स आ गए। सारे याद रखने को जरूरी नहीं है, सारे याद रखने को जरूरी नहीं है, जितने याद रख सकते हो याद रख लेना, 5-7 भी हो गए तो बहुत है, 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 बहुत है, बहुत है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखेंगे, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है,
इमीडिएट पोस्टिंग होती है, साइमल्टेनियस अपडेशन होता है, सेंट्रलाइज ऑपरेशन होता है, सेपरेट हायरार्की होती है, प्रोडक्टाइज कस्टमाइज होते हैं, रिमोट इंट्रैक्शन किया जा सकता है, ट्रायल बैलेंसिंग ट्रांजेक्शन बैलेंसिंग होती है, हाईली डिपेंडेंट सिस्टम होते हैं, ऑथराइजेशन विद इन होता है, इंक्रीज एक्सेस होता है, डेली हाफ ईयर ईयरली क्लोजिंग होती है इसकी, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, सेंट्रलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस होता है। इस तरीके से याद कर लेंगे, वो बोलो जी 15 के 15 फीचर समझ में आए क्या, 15 के 15 फीचर समझ में आए क्या, बोलो जी हाँ। सभी लोग बताएंगे क्या सारे फीचर समझ में आ गए, रजत सोनी को समझ में आ गए, जिनी जॉनसन को समझ में आ गए, राजेंद्र दोषी को आ गए, जतिन शर्मा को अबोहर पंजाब से आ गए, अरे बाकी भी बता दो भाई जल्दी से, तो हम सले इससे आगे, हमें सलना है इससे आगे। सलेंगे आगे। चलो जी आगे बात करते हैं बेटा अपन कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले टेक्नोलॉजी कंपोनेंट की बात करते हैं, एक सीबीएस में कौन कौन से होते हैं। बबीता मिश्रा भी बोल रहे हैं हाँ जी। और कौन रह गया जी, बाकी जिसने नहीं बोला जी वो भी बोल दो जी। अब हम बात करेंगे बेटा टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, आओ बेटा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। The key component of technology are as follows. पहला database होता है आपके पास में, दूसरा app होता है आपके पास में, लिखो इसमें database, पता है आपको है ना, sentence server पे app होता है, application environment होता है, तीसरा web environment होता है, www होती है बेटा, चौथा security होती है, पांचवा connectivity होती है, छठा डेटा सेंटर होता है, सातवां नेटवर्क सॉल्यूशन आर्किटेक्चर होता है, आठवां एंटरप्राइज सिक्योरिटी होता है, नवां ब्रांच एंड डिलीवरी चैनल होते हैं। वापस याद करेंगे, पहला डेटाबेस होता है बेटा, दूसरा एप्लीकेशन होता है, तीसरा वेब होता है, चौथा सिक्योरिटी होता है, पांचवां कनेक्टिविटी होता है, छठा डेटा सेंटर होता है, सातवां नेटवर्क सॉल्यूशन होता है, आठवां सिक्योरिटी होता है, नवां ब्रांच एंड डिलीवरी होता है, और दसवां ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग होता है। तो है बेटा की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट 10 कंपोनेंट है बेटा। डेटाबेस होता है, एप्लीकेशन होती है, वेब होता है, सिक्योरिटी होता है, कनेक्टिविटी होता है, डेटा सेंटर होता है, नेटवर्क सॉल्यूशन आर्किटेक्चर होता है, नेटवर्क की एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है, ब्रांच एंड डिलीवरी सर्विसेज होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग होता है। कितना आसान, इतना आसान तो पहले कभी नहीं था जितना आसान अब हुआ है। बताओगे की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है 10, डेटाबेस, एप्लीकेशन, वेब, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर, नेटवर्क सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, एंटरप्राइज सिक्योरिटी, ब्रांच डिलीवरी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग। हो गया 10 कंपोनेंट टेक्नोलॉजी के हो गए। बोलो जी हाँ। रजत ने बोल दिया, जिनी जॉनसन ने बोल दिया, जतिन ने बोल दिया, राहुल राजेंद्र दोषी ने बोल दिया, बाकी भी बोल दो भाई, बबीता भी बोल दो और भी बोल दो, सारे बोल लो और मिलके बोल लो, आवाज नहीं आई और मैं नहीं सुनिया, और मुंडे भी बोलन और कुड़िया भी बोलन, और सारे बोलो और मिलके बोलो, आवाज नहीं आई और मैं नहीं सुनिया।
बबीता मिश्रा कह रही है हाँ सर हो गया। रजत कह रहा है सर आप इतना सिंपल कैसे कर देते हो। सर मुझे ये चैप्टर आज तक समझ नहीं आया था पर अब समझ में आ रहा है, थैंक यू सर। बेटा बत्रा सर का काम ये चीजों को आसान करना है ना, सिंप्लीफाइड करना ही काम है बेटा बत्रा सर का। बत्रा सर का काम है सिंप्लीफाइड करना। तो आगे चले, सबको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे की आस्पेक्ट बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर। किसकी बात करेंगे, की आस्पेक्ट बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर। तो बेटा मेरा मन करता है, मेरा मन करता है इसे लगाया जाए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पढ़ेंगे बेटा की आस्पेक्ट विच आर बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर। हम पढ़ेंगे बेटा मेरा मन की आर्किटेक्चर, की आर्किटेक्चर, की आर्किटेक्चर। मजेदार मजेदार, बीच का सवाल, बीच का सवाल, बीच का सवाल। पहला होता है इंफॉर्मेशन फ्लो, दूसरा होता है कस्टमर सेंट्रिक, तीसरा होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसका मतबल क्या है, इसका मतबल क्या है, इसका मतबल क्या है, आओ जी समझाते हैं आपको इसका मतबल क्या है। की आस्पेक्ट बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर, पहला है इंफॉर्मेशन फ्लो, मतलब इट फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द बैंक एंड ब्रांचेज। तो बेटा इसके बारे में आपको क्या समझना है, इसके बारे में आपको समझना है इंफॉर्मेशन फ्लो आसान हो जाता है बिटवीन सर्वर एंड ब्रांचेस, सर्वर एंड ब्रांचेस। बस इतना समझ लो, इतना समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन फ्लो बिल्कुल सीमलेस होता है, आसान हो जाता है सर्वर के और ब्रांच के बीच में। दूसरा है बेटा कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इट इनेबल्स द बैंक टू टारगेट कस्टमर विद द राइट ऑफर्स एट द राइट टाइम एट द राइट चैनल। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतबल क्या है, इसका मतबल क्या है, इसका मतबल क्या है बेटा, बेस्ड ऑन कस्टमर, बेस्ड ऑन कस्टमर, कस्टमर को ध्यान में रख के बनेगा बेटा। तीसरा है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ठीक है, इट होल्ड्स द कंप्लायंस इन द केस द बैंक इज फॉलोइंग और नॉट। तो बेटा क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंश्योर कंप्लायंसेस, इंश्योर कंप्लायंसेस। अच्छा यहां कौन सी कंप्लायंस होगी बेटा, आरबीआई की, आरबीआई को कंप्लाई करेंगे बेटा, आरबीआई कंप्लायंसेस कराएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आरबीआई को कंप्लायंसेस कराएंगे। तो बेटा पहला क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो वो होना चाहिए बेटा सीमलेस, सीमलेस बिटवीन सर्वर एंड ब्रांचेस, बिटवीन किसके करेंगे बेटा, सर्वर एंड ब्रांचेस करेंगे। दूसरा कस्टमर सेंट्रिक है, बेस्ड ऑन द कस्टमर होना चाहिए, बेस्ड ऑन द कस्टमर के, कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इंश्योर करेंगे किसके बीच में, आरबीआई की कंप्लायंसेस को इंश्योर करेंगे। फोर्थ है बेटा रिसोर्स, रिसोर्स, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है मैन एंड मशीन, मैन एंड मशीन का यूटिलाइजेशन जो होगा, ठीक है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है मैन एंड मशीन का जो यूटिलाइजेशन होगा वो बेस्ट करेंगे, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे, अजी बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे, ठीक है। चार चीजें, चार चीजें, चार चीजें, बीच का सवाल, बीच का सवाल, बीच का सवाल। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है बेटा। तो क्या सवाल है आपका, देखो बेटा क्या सवाल है, क्या सवाल है आपका, क्या सवाल है आपका, आपका सवाल है जी की आस्पेक्ट बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर, की आस्पेक्ट बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर। पहला है इंफॉर्मेशन फ्लो, दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड रिसोर्स कंजम्पशन। इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब फ्रीली होना चाहिए बिटवीन सर्वर्स एंड ब्रांचेस, सीमलेस तरीके से चले, है ना, कोई रोक टोक के बिना। कस्टमर सेंट्रिक मतलब क्या कस्टमर को देना है, राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट टाइप ऑफ चैनल, राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन उसे देना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इंश्योर करेंगे बैंक आरबीआई के सारे नियमों को मानने वाला होना चाहिए। और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम करेंगे, बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे। बोलो जी समझ आया क्या, समझ आया क्या, समझ आया क्या, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। राहुल राजेंद्र दोषी कह रहे हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है, कंप्लायंसेस होती है। बबीता मिश्रा कह रही है राइट टाइम पर राइट चीज देंगे, ठीक है, इसे हम कहते हैं राइट कस्टमर सेंट्रिक बात कहते हैं। राहुल राजेंद्र जोशी कह रहे हैं रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। अरे मजा आ गया, सबको मजा आ गया, बत्रा सर को ज्यादा मजा आया क्योंकि आप अच्छे इसको अच्छे से समझ रहे हैं,
है ना, चीज समझने से होती है बेटा, रटने से नहीं होती है। मैं चार्ट खोल लूं, आओ रटा देता हूं, बाद में दिमाग में नहीं बैठता बोला क्या था, पता नहीं पढ़ा क्या था। अब बेटा एक एक चीज दिमाग में बैठ गई, चीज भी याद आएगी, एग्जाम्पल भी आएगा, दो लाइनें लिखने को मिलेगी। एग्जाम में तो बेटा लिखने से होगा, अब चार्ट खोल लिया मैंने, उसी को पास थोड़ी हो जाता है, बताओ मेरे को। राहुल सरंदना क्या कह रहे हैं, इस बार जो ईएएस में अमेंडमेंट है कितने मार्क्स के आ सकते हैं? बेटा इसके लिए आपको हमारे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं मान के चलता हूं बेटा 15-20% तो आ ही सकते हैं, 15-20% तो आ ही सकते हैं बेटा, 15-20% तो आ ही सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, 15-20% आ जाएंगे। राहुल सरदाना, राहुल सरदाना कह रहे हैं 15-20% आ जाएंगे बेटा, हमारे लेक्चर देखते रहो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बेटा चार्ट तो मेरे पास भी है पर मैं नहीं पढ़ाता बेटा उससे, चार्ट तो मेरे पास भी है मैं नहीं पढ़ाता बेटा, मैं पूरे कोर्स से पढ़ाता हूँ, ये मेरे पास भी चार्ट है पर मैं तो नहीं पढ़ाता बेटा, मेरे को तो लगता है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ाना चाहिए आपको, है ना। चार्ट तो मेरे करने भी है, चार्ट तो मेरे करने भी है पर मैं नहीं पढ़ाता जी, मैं तो पूरा मॉड्यूल से पढ़ाता जी, क्योंकि चार्ट से पढ़ के पास नहीं होता जी, चार्ट तो बत्रा सर के पास भी है बेटा, चार्ट तो बत्रा सर के पास भी है देखो, पर मैं नहीं पढ़ाता जी, मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे मालूम है इससे पास नहीं होते जी, इससे मटेरियल नहीं मिलता जी, इससे मटेरियल नहीं मिलता, इससे मटेरियल नहीं मिलता, इससे चार्ट से कुछ नहीं होता जी, चार्ट तो मरकरने भी है, चार्ट तो मरकरने भी है पर मैं नहीं पढ़ाता जी चार्ट से, क्योंकि चार्ट से पास नहीं होता जी, पास तो मॉड्यूल से होता जी। ये रहा बत्रा सर का चार्ट, चार्ट तो मरकरने भी है। चार्ट तो हमारे करने भी है पर मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि इससे पास नहीं होता ना जी, पास तो मॉड्यूल से ही होता जी। हाँ चार्ट का की करिए, चार्ट थोड़ी लिख के आएंगे, चार्ट लिख के वो पास थोड़ी करता है, मैटर लिखना पड़ता है, मैटर नहीं आता सानू ते, इससे कोई पास थोड़ी होता है, और इससे कोई पास थोड़ी होता है। वो ये रहा जी मैंने अभी करवाया तुम्हारे को, वो मैंने करवाया जी आपको अभी, ये रहा एग्जांपल ऑफ सीबीएल, फिनेकल, फिन वन, फ्लैक्स क्यू, बैंक सीएस, बैंक मेड। और पर आगे क्या लिखना है जी, वो आगे क्या लिखना है जी बताओ ना, आगे क्या लिखना है इसके, आगे नहीं लिखेंगे तो पास कौन करेगा जी, ये तो मेरे करने भी है पर पास नहीं होता जी इससे, पास तो बेटा मॉड्यूल से होता है, पास तो मॉड्यूल से होता है, पास तो मॉड्यूल से होता है, चार्ट से नहीं होता जी, चार्ट से नहीं होता, मैंने तो फेल होते देखा जी, मैंने तो फेल होते देखा जी, चार्ट पढ़ पढ़ जगमुआ पास हुआ न कोई, वो चार्ट पढ़ पढ़ जगमुआ पास हुआ न कोई, वो जो मॉड्यूल से पढ़े, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़े वही पास हुए, वरना नवंबर की जगह मई 2021 आए। एग्जैक्टली रजत सोनी, चार्ट्स आर जस्ट फॉर माइन्यूट रिविजन एंड नॉट फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है वो, ठीक है जी, वो ठीक है जी, ये मेरे करने भी पहने पर मैं यूज नहीं करता जी, मुझे मालूम है इससे पास नहीं करा सकते जी, मैं इससे पास नहीं करा सकता, मैं अभी आपको पढ़ाया जी। ये रहे बेटा चार टॉपिक, इंफॉर्मेशन फ्लो, कस्टमर सेंट्रिक, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। पर इसके आगे क्या, इसके आगे लिखना नहीं आता तो पास थोड़ी होएंगे जी, हेडिंग, हेडिंग से कोई याद होता है जी, वो हेडिंग से कोई पास होता है क्या जी, हेडिंग से कोई पास नहीं होता जी। आओ जी चार बार बोल देते हैं मेरे पीछे पीछे बोलो जी, वो कोई पास नहीं हो रहा जी, आपके पीछे पीछे बोलने से कोई पास नहीं हो रहा जी, पास तो तभी होगा ना जी, अंदर का मैटर कोई पड़ेगा जी, तो उसके लिए तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा ना जी, तो मॉड्यूल जो पड़ेगा वही पास होएगा जी, चार्ट से नहीं हो रहा जी, चार्ट से कोई नहीं हो रहा जी, चार्ट से नहीं हो रहा जी, ये है बात जी, है ना जी, मेरे पास भी जी, अब मेरे करने भी है जी, अब मेरे करने भी है जी, पर इससे पास ना होता ना जी। चलो जी, चलो जी, चलो जी, लिखना क्या है सीखना पड़ेगा हमें, वो समझ गए क्या?
राहुल सरदाना कह रहे हैं चार्ट बना दो, निमोनिक बता दो, समझाओ कुछ मत, बेड़ा गर्क कर दो, पास तो वो होगा ही नहीं, फेल ही फेल होगा, हर अटेम्प्ट में होगा, चार चार अटेम्प्ट लग जाते हैं बच्चों को, ऐसे ही हो रहा है देश भर में, पूरे देश भर में यही हो रहा है। चार्ट बना दो, निमोनिक और मेमोरी टेक्निक बता दो और फिर उसको रटा दो, फिर एग्जाम में उसका बेड़ा गर्क करवा दो, चार चार अटेम्प्ट लगवा दो, यही चल रहा है देश भर में, पूरा पूरे देश भर में यही चल रहा है। सब्जेक्ट समझ में आवे को नहीं, खुद ने पढ़ो को नहीं, तो समझावे किकर को नहीं। ये तो बेटा वही पढ़ावे जिसको इसका सब्जेक्ट का नॉलेज होवे, जिसका सब्जेक्ट का नॉलेज होवे। मैं तो हमेशा कहता हूं जी, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े है, जो करता है ऑटोमेशन। अगर ऑटोमेशन किया हुआ होगा तो बताएगा अंदर की बात, वरना चार्ट पढ़ लो जी, है ना, मेमोरी टेक्निक रट लो जी, फिर आपका बेड़ा गर्क करवा दो जी। चलो जी आगे चले जी, हम अपनी पढ़ाई करें जी। आओ बेटा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नवंबर 20। किसने इस पे हरा रंग डाला? अरे बत्रा सर ने डाला, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। राहुल सरदाना कह रहा है सर आज अलग मूड में, बेटा बत्रा सर रोज मूड में रहते हैं, हमें तो बेटा पढ़ाने में आता है मजा, है ना, हमारा मकसद नहीं है बेटा, हमारा मकसद नहीं है बच्चों को बरगलाना, बच्चों को बेवकूफ बनाना, हमारा मकसद नहीं है। एट अन अकेडमी वी डू द कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्टडी, हमारा पर्पज है बच्चों को समझ में आना चाहिए, अगर सब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो बेटा पास तो हो ही नहीं सकता, और इसीलिए देश भर में बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल कर रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाले बेटा चार्ट पढ़ा रहे हैं, मेमोरी टेक्निक बता रहे हैं, समझा कोई नहीं रहा है, और घुमा के सवाल आया नहीं और बेटा गर्क हुआ नहीं। चलो 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 चलो, अब हम बात करेंगे बेटा ओवरव्यू ऑफ सीबीएस एनवायरमेंट की, आईटी एनवायरमेंट की बात करते हैं बेटा। आओ कुछ सर्वर्स की बात करते हैं, आओ कुछ सर्वर्स की बात करते हैं, हम बात करेंगे सर्वर की। आओ बेटा जी बात करेंगे हम लोग सर्वर की, कुल मिला के 8 प्रकार के सर्वर पढ़ेंगे हम लोग। सर्वर 8 प्रकार के सर्वर की बात करेंगे हम लोग। देयर आर 8 टाइप ऑफ सर्वर्स। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट की, हेडिंग क्या है सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट, तो हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ आईटी एनवायरनमेंट की बेटा। आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, CBS is a technological environment based on client server architecture having a remote server जिसे data center कहते हैं, और client जहां से हम लोग ATM की या मोबाइल फोन बैंकिंग की सुविधाएं लिया करते हैं। सर्वर इज ए सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर, मतलब मेन फ्रेम होता है ये, जनरली जो होता है ना बेटा मेन फ्रेम होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है, that accept the service request from the different machine called as client and these requests are processed by server and sent back to the client। तो सारा अरेंजमेंट कैसा बेटा, सारा अरेंजमेंट क्लाइंट सर्वर का है। देयर इज अ डेटा सेंटर, ठीक है, एंड देयर आर सेवरल क्लाइंट अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, एटीएम मशीन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है, मोबाइल बैंकिंग हो सकती है, ठीक है, फिर दूसरा एटीएम हो सकता है, फिर ब्रांच हो सकती है, ऐसे बहुत पूरी दुनिया भर में फैले होते हैं। तो सारा काम बेटा इस सर्वर से होता है, सारा काम इस सर्वर से होता है, और ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, क्लाइंट है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, ये पूरे दुनिया भर में बिखरे हो सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तरीका है बेटा काम करने का, ये तरीका है काम करने का। राहुल सरदाना कह रहे हैं सर अनअकैडमी पे आपका वन डे बिफोर एग्जाम मैराथन आना है ना बेटा, क्या कवर होगा? पूरा कवर करेंगे बेटा, एंटायर कोर्स कराऊंगा मैं, एंटायर कोर्स कराऊंगा, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे बेटा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी कवर्ड, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी कवर्ड, और उससे आपका एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी कवर्ड, ठीक है, और उससे आपका 60-90% पेपर आ जाएगा,
So you will be passing by exemption. You will be passing by exemption. Okay, okay, okay. सुन लिया जी, सुन लिया जी, सुन लिया जी. मैं नहीं सुनिया, किसने नहीं सुनिया? दसो जी, दसो जी, सानू दसो. ओ, पता ही नहीं चला बातों बातों में. ये तो 8 बज गई बेटा. अब बेटा आपको हैंड ओवर करने का समय आ गया है ऑडिट क्वीन को. अब बेटा मेरे बाद आप पढ़ेंगे ऑडिट की क्वीन से, खुशबू सांगवी मैडम से, ऑडिट ऑडिट ऑडिट. आज की क्लास को यही समाप्त करने का समय आ गया मेरे बच्चों, ठीक है. अब कल बत्रा सर आपसे मिलेंगे बेटा 3 समय. कौन से 3 समय बेटा? 2:15 से लेके 3 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे बेटा. क्या करेंगे? इससे आगे बढ़ेंगे. और 4:30 से लेके 5:30 क्या करेंगे बेटा? हम स्पेशल क्लास में EIS और IT का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 4 करके कवर करेंगे और उसके बाद चैप्टर 5 पे चले जाएंगे. 7 से 8 क्या करेंगे बेटा? यूट्यूब पे जो सुबह खत्म किया होगा उसके बाद आगे ले जाएंगे. मैंने जैसा आपको बता दिया बेटा, अनअकैडमी आप सब बच्चों के लिए मई 21 के बैचेस भी लेके आ रही है बेटा, ठीक है. 1 दिसंबर 2020 से आ रहे हैं. स्पेशल क्लास और यूट्यूब पे है फ्री. 14 दिसंबर वो हिस्टोरिक डेट है बेटा. 14 दिसंबर वो हिस्टोरिक डेट है जब हम लोग शुरू करेंगे अपने प्लस के बैचेस, जिसमें जैसे यूनिट खत्म करेंगे टेस्ट लेंगे, MCQ करवाएंगे, केस बेस स्टडी कराएंगे, एक एक चैप्टर को बेटर बनाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे और ये सब कुछ कराएंगे बेटा हम लोग 12-10 कोड के साथ में. तो बेटा आप ले सकते हैं इसको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ. अगर आप 12-10 लगाते हैं तो मिलती है बेटा आपको 10% की छूट और कोर्स हो जाता है 3,150, 7,850, 12,615. और इसका जो लोग मई 21 के लिए आ रहे हैं, मैं कहूंगा बेटा वो 12 महीने का कम से कम लेके आए ताकि उन्हें मिले फायदा. और जो लोग फाउंडेशन इंटरमीडिएट का फाइनल के हैं वो 24 महीने का ले सकते हैं 18,900 का. इसी बातों के साथ बेटा मैं साइन ऑफ करता हूं. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग क्लासेस. कल फिर से मिलते हैं बेटा 2:15 से 3, 4:30 से 5:30 और 7 से 8 बजे आपके साथ इस CBS के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे. हम चार्ट से नहीं पढ़ेंगे, हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा. सो थैंक यू वेरी मच. जय दोस्तों. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर. शेयर दिस गुड वर्क टू ऑल अदर्स क्योंकि